हाय गाइस, आज का ब्लॉग फिर से भूल गया था क्योंकि अभी स्टार्टिंग है ब्लॉगिंग करना, तो थोड़ा सा भूल जाता हूँ, दिमाग से उतर जाता है। लेकिन अभी दोपहर के करीब 12 बज रहे हैं, और 12 साढ़े बारह बज रहे हैं, ठीक है। तो 12:30 बज रहे हैं और मैं अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, और आज के अपॉइंटमेंट देखते हैं। दो क्लाइंट कल आए थे, पूछ के गए थे, तो उन लोगों का अपॉइंटमेंट आज का है, तो देखते हैं क्या होता है, कब तक आते हैं, आते भी हैं कि नहीं आते हैं, क्योंकि न्यू शॉप है और वो लोग कहाँ से थे मुझे कुछ कुछ आइडिया नहीं था। मेरे सामने जो ये एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगा हुआ है उसका फ़ोटो क्लिक करके गए थे, और ना ही इंस्टा पे अभी तक मैसेज आया, ना ही कुछ कॉल आया। तो वो अगर आते हैं तो फिर दिखाते हैं उनका काम। गाइस, कुछ इस तरीके से हुआ है कि आज कोई भी क्लाइंट नहीं आया, और बैठे बैठे था, और आज मेरे एक फ्रेंड के भैया का तिलक है तो उसमें निकल रहा है, मैं और भैया दोनों साथ में, और चलते हैं वहाँ का, देखते हैं क्या किस तरीके से है, क्योंकि कुछ सामान मेरा है जो कि वो भी आ रहा है, तो अभी उसको भी रिसीव करने जाना है, तो पहले सामान रिसीव करते हैं फिर चलते हैं उनके यहाँ तिलक में। लेना था उसको लेने के लिए मैं आ चुका हूँ इधर दशाश्वमेध घाट, और बहुत ज़्यादा ही क्राउडेड प्लेस, मतलब बनारस की जो सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली एरिया कह सकते हैं वो दशाश्वमेध है। आपको आगे तक भी दूर दूर तक पूरा एकदम भीड़ ही दिख रहा होगा अच्छे से, और अभी होली का फेस्टिवल चल रहा है तो इसलिए बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आ रहे हैं सिर्फ रंग भरी एकादशी के लिए, जो कि कल ही थी। उसके बाद भी यहाँ पे भीड़ अभी भी कम नहीं हुई है, कंटिन्यू वैसी भीड़। अब समझ लीजिए मुझे चौराहे से, नंदी चौक से अभी अंदर आने में बहुत टाइम लग गया, और यहाँ से विश्वनाथ गेट थोड़ा सा ही आ गया है जहाँ मैं अभी पहुँच चुका हूँ, वो सामने विश्वनाथ गेट है। 3 बजे आज कोई भी टैटू नहीं हुआ, स्टूडियो पे पूरा दिन पोपट बैठे बैठे बीता, लेकिन मज़ा इस चीज़ का आया कि आफ्टर ऑल लॉन्ग टाइम कह सकते हैं, धीरे धीरे 1-2 महीने हो गए मुझे यहाँ आए, 2 महीने के बाद आज फिर मैं अपने गुरु के पास आ रहा हूँ, और ये विश्वनाथ जी का गेट नंबर 2, और मेरी स्टूडियो जहाँ पे मैं पहले रहता था वो स्टूडियो आगे है, सर मेरे वहीं पे है। फाइनली मैं स्टूडियो पे आ चुका हूँ, ये अपना स्टूडियो भैया, और अंदर सर गुरु जी काम कर रहे हैं। भैया कैसे हो? बढ़िया बढ़िया भैया, और यहाँ पे वर्क कर रहा है वो भैया कंप्लीट कर रहे हैं। मैम मैम कहाँ से आई है भैया? फ्रांस। फ्रांस से मैम आई है एक सिर्फ टैटू करवाने के लिए, ये फ्रंट है इनके पैर का टैटू दिखा दो, पैर का मेन इनके पैर, ये कंप्लीट हो चुका है मैम का, फुल कस्टमाइज डिजाइन ये भैया आपने किया? हाँ पूरा ये कस्टमाइज, और ये मैम का ये टैटू का सेम डिजाइन ये कल किया गया था, और अभी मैम का ये हाथ का चल रहा है अपॉइंटमेंट, और उसके बाद एक मैम का और टैटू है यहाँ पे, बैक होता नहीं इसमें, और जो मुझे लेना था सर के पास से वो ले चुका हूँ, और इस शॉप पे भैया बैठते हैं मनीष भैया, और उस वाले स्टूडियो पे सर रहते हैं, तो यहाँ पे ये जो है कंटिन्यू हार्डवर्क चल रहा है। फोन ऑफ हुआ है, और ये प्रवीण भाई की आज कैसे ठीक यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग, और यहाँ पे इंगेजमेंट का जो भी है अरेंजमेंट वहाँ पे है, यहाँ से याद निकलते हैं कि मेरा फ़ोन डेड होने वाला है, 3% पे है, सो मुझे लगता है कि आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करना होगा, और ऐसा कुछ स्पेशल आज हुआ नहीं, मतलब स्टूडियो पे काम वो तो कुछ हुआ नहीं,
पर जो भी है ब्लॉग बनारस का और मतलब ट्रैवलिंग का ही है थोड़ा सा, तो आप लोगों को आई होप अच्छा लगा हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी जितना भी दिखा पाया हूँ वो आप लोगों को पसंद आया हो। और आशीष सर की स्टूडियो पे जो फॉरेनर थे वो भी बहुत खुश थे, उन्हें जब पता चला कि मैं यहाँ स्टूडेंट हूँ यहाँ का, तो सर भी बहुत ज़्यादा मतलब प्राउड फील कर रहे थे। मैं पहुँचा वहाँ पे, पहुँचने के बाद एक मैम का स्टेंसिल अप्लाई करना था, वो सर ने बोला कि अंकित इसको कर दो, मैं ये वर्क कर रहा हूँ। वो स्टेंसिल अप्लाई करके मैं निकला वहाँ से जो मुझे सामान लेना था, और मेरी फ़ोन की बैटरी डेड होने वाली है इसलिए ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, और पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है वीडियो को शेयर करिएगा। हर हर महादेव।